जुदा होके भी जो है वो एक महज एक फिल्म ही नहीं है, ये एक सफर की शुरुआत है। दरअसल एक्चुअली ये दो सफर की शुरुआत है। एक सफर है मेरे और मेरे बॉस का, मेरे फादर का, मेरे मेंटोर का, जो बचपन से चला है मेरे लिए, और आज मैं इतना खुशनसीब हूं कि वो मेरी कंपनी ये क्रिएटिव हेड है, और इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या हो सकती है कि उनके उनके अंडर और उनके गाइडेंस में हमारी सारी फिल्में बन रही हैं। जुदा होके भी जो है वो एक कंटिन्यूएशन है, जहां हमने राज को छोड़ा था वहां जुदा होके भी कुछ रुक गया। अ स्टोरी ऑफ लव एंड फियर। अब इस सफर में एक और सफर शुरू हुआ और वो है वर्चुअल प्रोडक्शन का। जब लॉकडाउन आया और बाहर शूटिंग अलाउड नहीं थी, रास्तों पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो हमने ये टेक्नोलॉजी को ढूंढा, उसको अपनाया, और वो टेक्नोलॉजी है वर्चुअल प्रोडक्शन। वर्चुअल प्रोडक्शन ये टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हैं यहाँ कर्व स्क्रीन पे, जहां सारी फिल्म जो है वो जुदा होके भी जो फिल्म है वो इंडिया की पहली फिल्म है जो पूरी की पूरी एक फ्लोर पे शूट हुई है, 60 फीट बाय 50 फीट। कहीं नहीं गए हम, पिक्चर में हिल स्टेशन भी है, ट्रेन भी है, वॉटरफॉल भी है, सब कुछ है, लेकिन सब वर्चुअली क्रिएट किया गया है पहली बार। ये टेक्नोलॉजी जो हमने सीखी, जो हमने अपनाई, हमारी कंपनी में ये मेरे पार्टनर हैं अमर ठक्कर, जो कि वो सब देखते हैं जो मैं नहीं देखता, मतलब लीगल, पैसा, और उनका काम है मेरे साथ झगड़ा करना। तो हमने ये टेक्नोलॉजी को अपनाया और फिर हम इंडस्ट्री में देख रहे थे कौन है जो ये टेक्नोलॉजी समझ सकता, क्योंकि हम चाह रहे थे स्टूडियो बनाएं और पिक्चरें बनाएं। अब हम तो प्रोडक्शन हाउस है, हमारे पास तो उस किस्म की पूंजी है नहीं। तब मैं सतीश जी से मिला, सतीश जी को 5 मिनट लगे इस टेक्नोलॉजी को समझने, सिर्फ 5 मिनट, और उन्होंने कहा कि मैं ये आपके साथ करूंगा। तो अब जुदा होके भी है वो, ये दूसरा सफर है मेरा, मेरी कंपनी का, और केसरा सारा और सतीश भाई का, जहां हम इस साल तो 5 फिल्में रिलीज करेंगे जुदा होके भी को लेकर, लेकिन अगले साल हमारा लक्ष्य है कि हम 25 फिल्में रिलीज करेंगे, वर्चुअली बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, कम पैसे में इतना देंगे जो बड़ी फिल्म में भी नहीं मिलता। तो ये दो सफर जो हैं अब एक सफर हो चुका है, और यही आज की ये मीटिंग है, आज की ये कॉन्फ्रेंस है, जहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का एक मिलन हुआ है, और हमारी फिल्में जो है वो अब इस तरह बनेगी, ये फिल्म मेकिंग का फ्यूचर भी है। तो यही मैं कहना चाह रहा था, आपके सवाल, थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त जो है उससे बचो। जब मैं मुड़कर देखता हूं अपने 53 इयर्स की जर्नी को, मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि जब भी मेरी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आया, तभी वहां से एक अजीब सी ताकत, अजीब सी एनर्जी पाकर कुछ नया मेरे अंदर पैदा हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ विक्रम के साथ। 2 साल जो दुनिया रुक गई थी, और ये बच्चा जो है डेस्परेटली कोशिश करता था किसी ना किसी तरह वो
अपने एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा रखे। शूटिंग अनाउंस होती थी कोविड के दौरान, रिलैक्सेशन होता था, शूटिंग शुरू होती थी, सेट पे जाते थे, फिर कोई बीमार हो जाता था, फिर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। एक तो पैसे की कमी, ऊपर से जब जो पैसा सेट लगाने में या सब कुछ एक साथ लाने में खर्च हो जाता था, वो फिर पानी पानी हो जाता था। तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते ना कि he had come to a precipice, कि बस पीछे जाएगा या पंख अचानक कहीं से आएंगे और उड़ेगा आसमान में। और कौन कहता है कि मिरेकल्स नहीं घटते, जज्बा तो हो आपके अंदर। तो पंख लग गए इसके और इसने ये एक अजीब जबान में बोलना शुरू किया मेरे साथ में। अब कहते हैं ना कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द पेरेंट, और इसने मुझे हम कभी ये कभी मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, आज मैं इसका हाथ पकड़ के चलता हूं। ये मुझे वो दिशा दिखाता है, कोई नई सुबह की तरफ ले जाता है, जहां पर ये 15 साल का बच्चा जो आया था, जिसने आज ये बच्चे के अपना पोस्टर क्रिएट किया है। तो ये अजीब एक दौर है, वक्त ने कहीं पर करवट ली है, मगर हमारी इंडस्ट्री शायद अब भी चेंज अवर्स। ऐसे में सतीश जी के अंदर वो एक इंस्टिंक्टिव समझ, ऐसे नहीं बनता आदमी इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर, कहीं पर इनके अंदर वो एक समझ है, एक इंस्टिंक्ट है कि ये व्यक्ति जो है भविष्य से बात कर रहा है, बाकी सब जो है अतीत को दोबारा में दोबारा जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग टू द फ्यूचर। तो जैसे मैंने कहा कि विक्रम हमारा मंत्र सिर्फ यह है कि हम 10 करोड़ की चीज को 100 करोड़ का एक लुक दे सकते हैं, और पूरा बाजार इसी पे खड़ा है, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस। और खास करके ये पैंडेमिक के टाइम पे जहां पर पैसे की हीनता है, जहां पर इकोनॉमी बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई है, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे प्रोडक्शन हाउस को नहीं सर्व करेगी, मगर जब आपके पास एक शक्ति आती है, आपके पास एक ताकत आती है, ऊर्जा आती है, तो उससे सारी इंडस्ट्री को फायदा होगा। रीजनल सिनेमा के लोग हैं, हमारे मित्र जो है पंजाब से आए थे, वो सतीश जी से मिल गए, विक्रम से मिल के गए हैं, तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम हमारी फिल्मों में इतना बड़ा लुक कैसे आएगा, जो बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म का लुक होता है। आज के जमाने में कंज्यूमर को आदत हो गई है गुड लुकिंग लैविश प्रोडक्ट्स। अब नॉन स्टारकास्ट के साथ जब फिल्म बनाते थे तो पैसा नहीं होता था, बंद कमरों में छोटे छोटे लोकेशन पे, मगर आज टेक्नोलॉजी ने ये डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज कंटेंट चलेगा मगर कम पैसों में, वो जो ग्रैंडर, वो जो पैकेजिंग है, ये जो इनका जो वर्चुअल पार्टनरशिप का जो एक ये आउटफिट है, ये आपको इनेबल करेगा कि आप आपका कंटेंट भी बिल्कुल उस मयार तक ले जाएं जिस जो जो, जो मयार जो है सबसे बड़ी फिल्मों का होता है। ये अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है, क्रांति जब हटती है तो ऐसा कोई ढोल पीटना नहीं पड़ता है, अचानक साइलेंटली समथिंग हैपेंस, पर आहिस्ता आहिस्ता एक अवर्स चेंज डिनाइंग जो एक इंडस्ट्री होती है वो रिलक्टेंटली मगर मानती है कि हाँ परिवर्तन घट चुका है, वक्त ने करवट ले ली है, एंड नाउ दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारे विजुअल, वो सारे हमारी फिल्म के हैं और ये सारे वर्चुअली बनाए, हम कहीं नहीं गए, ये पूरी शूटिंग यहां हुई। ये देखिए ये जो घर है, ये जो दुनिया है, ये हमने। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रगुजार हूँ विक्रम जी का और महेश जी का, और धन्यवाद करता हूँ उन्होंने मुझे एसोसिएट, हम साथ में हैं। और ये एक रिवोल्यूशन है पूरी इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत ही यूनिक रिवोल्यूशन है। जैसे जैसे इसकी जानकारी लोगों तक जाएगी, सभी लोगों के लिए ये बहुत लाभदायी और उपयुक्त बनेगी। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। बिल्ले
उसका ट्रेलर जब बन जाएगा, जब बन जाएगा ये तो फैक्ट है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। लेकिन मेरी सोच ये है कि पिक्चरों के ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज नहीं करने चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट में खबर 3 घंटे के बाद स्टेल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो सतीश भाई से मैं डिस्कस करूंगा, उनकी राय भी लूंगा, क्योंकि ये रिलीज तो सतीश भाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिलीज के 21 या 25 दिन पहले ही करना चाहिए प्रोमो रिलीज, तो ये मेरी सोच है। इंडिया की पहली वर्चुअल फिल्म है एक्चुअली मैंने तो ये कहा है सतीश भाई से कि हमारी पिक्चर के वर्चुअल शॉट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग बिलीव ही ना करें कि हमने वर्चुअली किया है, वही हमारी जीत है। मेरे पिताजी प्रवीण भट्ट कैमरामैन हैं और वो मुझे कहते थे कि अगर पिक्चर देखते वक्त अगर ऑडियंस बोले कि वाह क्या शॉट है, तो वो कैमरामैन की हार जीतनी है। सही बात, ऑडियंस को कहानी से बाहर कभी आना नहीं चाहिए। तो हमारी कोशिश यह है कि वर्चुअल वर्ल्ड इतना अच्छा लगे, इतना सही लगे कि आपको लगे ही नहीं वर्चुअल, वही जीत है हमारी। जुदा होके भी एक यू समझ लिए कि जैसे राज बनाई थी, राज अपने आप में एक अभी कल्ट फिल्म बन चुकी है, लेकिन उसकी 3-4 खूबियां थी। एक तो खूबी ये थी कि भट्ट साहब ने लिखी थी, उसके बाद कोई भी राज भट्ट साहब ने नहीं की। तो मैंने भट्ट साहब पे यह आग्रह किया कि भट्ट साहब ये आप ही लिखें, वरना ये बनेगी नहीं। तो पहली राज की तरह ये जुदा होके भी बॉस ने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। म्यूजिक, लव स्टोरी और हॉरर, ये कॉम्बिनेशन था राज वन का, और यही कॉम्बिनेशन है जुदा होते। एक सवाल जब हम स्टोरी सेटिंग कर रहे थे तो भट्ट साहब ने मुझे पूछा कि विक्रम ये हॉरर फिल्म में लव स्टोरी है या लव स्टोरी में हॉरर है, इसका अगर जवाब दो तो पिक्चर लिखी जाएगी। तो मैंने कहा बॉस लव स्टोरी में हॉरर है, हॉरर में लव स्टोरी नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर टाइटल जुदा होके भी है, टाइटल कोई आत्मा या ग्रहण या कब्रस्तान या ऐसा नहीं है, ये लव स्टोरी है और इसलिए इसका टैग है लव एज ए न्यू एनिमी। हॉरर जो है वो लव का दुश्मन है। इसमें अक्षय ओबेरॉय है जो कि आजकल ओटीटी पे छाए हुए हैं, अपना नाम बना रहे हैं, और एक साउथ की एक्ट्रेस है जो कि वहाँ कन्नड़ फिल्म में काफी मशहूर है, उसका नाम है इंद्रता रे। तो ये दोनों हैं, मेहरजान नया लड़का है जो नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो ये मुख्य कास्टिंग हमारी भी है। देखिए ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज ही बता सकता हूँ सर, आज ही सतीश भाई ने हमारे स्टूडियो का फाउंडेशन रखा है। यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं एलईडी के, उन्होंने 4 बनाए। ये नहीं कि हम कोई फैक्ट्री बनाना चाहें, एक के बाद एक फिल्में बनाएंगे और चाहे जैसे भी हो, नहीं। लेकिन हमारा एम ये है कि ऐसी अद्भुत फिल्में बनाए इस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि जैसे आप ये विजुअल्स देख रहे हैं इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, बड़े बड़े सेट देखते हैं, और हम छोटे प्रोड्यूसर सोचते थे कि ये सेट हमें कभी मिलेगा, छोटे तो थे नहीं कभी,
हाँ, मगर सोच बड़ी नहीं हो पा रही थी। तो अब जो है ऐसा लगता है कि हर आदमी जो है, तो जब हम 25 फिल्में कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 25 फिल्म हम बनाए। हमारा ये, हमारी ये सोच है कि इंडस्ट्री के लोग हमसे, हमारे साथ जुड़ेंगे। इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और हम साथ में मिलकर 25 का 25 से ज्यादा भी बना सकते हैं। मगर हाँ, अगर कोई भी ना जुड़े तो भी हमने सोचा है कि 25 फिल्में हम जरूर बनाएंगे, हमारे बजट में बनाएंगे। लेकिन भट्ट साहब क्रिएटिव हेड है, फाउंटेन हेड है, तो उनका ये मानना है कि कोई भी फिल्म अच्छी स्टोरी के बगैर, देखिए कहानी अच्छी या गलत हो सकती है लेकिन कहानी होनी चाहिए। बहुत सी फिल्मों में तो कहानी नहीं होती, तो कहानी होना जरूरी है। अच्छी फिल्में बनाएंगे, बड़ी फिल्में बनाएंगे। हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको आउटडोर जाना नहीं, किसी को लेने जाना, एयरपोर्ट लेने, टिकट नहीं है, केटरिंग नहीं, आप एक फ्लोर पे शूटिंग कर रहे हैं, बारिश का प्रॉब्लम नहीं है, आपको नाइट शूटिंग करनी नहीं है, नाइट डे नाइट सब अंदर ही हो रहा है, आप पीछे विजुअल बदल जाता है तो सेट बदल जाता है, तो आपको डेटों की प्रॉब्लम नहीं है, जो जिसकी भी डेट मिले आप शूटिंग कर सकते हैं। तो बहुत से फायदे, बहुत से फायदे, जो मतलब यूं समझ लीजिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अंदर पब्लिक को भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट भी बना सकते हैं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बन सकता है। अभी आप देखिए, अगर आप एयरपोर्ट पे शूटिंग करने की कोशिश करें तो आपको डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी और बड़ी परमिशन भी लेनी पड़ेगी और फरार शूटिंग भी होगा और रिस्ट्रिक्शन भी होगा, यहाँ एयरपोर्ट भी होगा, जूनियर आर्टिस्ट भी होंगे, रेलवे स्टेशन होगा। और इसकी खूबी ये है कि आप सुबह एयरपोर्ट कर सकते हैं, लंच के बाद रेलवे स्टेशन कर सकते हैं, तो रात को न्यूयॉर्क में, और रात को न्यूयॉर्क में शूटिंग कर सकते हैं, ये बात भी है। तो ये है खूबी इस टेक्नोलॉजी। केसरा सेरा वर्चुअल वर्ल्ड में पहली फिल्म लेके आ रहे हैं, वो डायरेक्टर ऑफ केसरा सेरा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जी? पहले तो हिमांशु भैया को थैंक यू सो मच। और केसी रसीरा इंडिया की पहली मूवी है जो जुदा होके कंप्लीट हुई है पिक्चर, और बहुत ही जल्दी जुलाई में हम लोग उस पिक्चर को देखेंगे। तो मैं हम लोगों के लिए भी बिल्कुल एक नया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम और एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है कि लोग रेकी करने के लिए दूसरी दूसरी जगह जाते थे, और मैं बताना चाहता हूँ कि हम सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया, आप यहाँ पे इंटायर वर्ल्ड यू कैन शूट इन वन रूफ, और कॉस्ट भी 50% कम हो जाएगा, और आपको एयरपोर्ट में परमिशन लेना, रेलवे में परमिशन लेना, ये सब चीज़ें आपकी हो जाए, ये रहेगा कि आप कुछ भी शूट कर सकते हो एक ही फ्लोर में। दिस इज अ फीलिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में लाना वॉज सो डिफ़िकल्ट, स्पेशली कोविड के टाइम पे। एंड अभी फ्रॉम दैट विजन टिल वेयर वी आर टुडे, लाइक अभी ये मूवी रिलीज़ हो रही है, सो इट इज़ एन ऑनर फर्स्टली टू बी अ पार्ट ऑफ केसरा लिमिटेड, टू हैव मिस्टर सतीश पंचारिया एज माई मेंटोर, एंड देन वर्किंग विद मिस्टर विक्रम सर एंड मिस्टर महेश सर, इट्स बीन एन ऑनर वर्किंग विद एवरीवन एंड लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग द एंटायर idea of the creativity, how this film is made under one roof. So I know aapne virtual production ke baare mein suna hoga, like how we can bring the entire world under one roof, and how aap jo imagine kijiye, matlab aap jo imagine kar sakte hain wo aap ek movie mein shoot kar sakte hain, aap dikha sakte hain. So this is something that cannot be explained in words, and this is
creating a very different kind of cinema in today's generation.